नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हार्ड डिस्क के बारे में। जैसे कि आप तरह तरह के अलग अलग नामों से भी जानते होंगे, हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, फिक्स ड्राइव, और कई बार तो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे साटा हार्ड डिस्क ड्राइव, इस तरीके से कुछ, यानी कि HDD लिखा रहता होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इसी हार्ड डिस्क के बारे में। दोस्तों, उससे पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि इस तरीके का रेड कलर का बटन आपको सीधा इस वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आखिर ये हार्ड डिस्क होती क्या है? तो दोस्तों, ये एक स्टोरेज डिवाइस होती है सीधे तौर पे। अगर हम कहें, इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा जो रैम का वीडियो है, यानी कि व्हाट इज रैम वाला जो वीडियो है, उसे नहीं देखा है तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, उसके बाद ही आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, ये एक स्टोरेज डिवाइस होता है, जैसे कि आप एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हैं हार्ड डिस्क को, और इंटरनल भी यूज कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा इंटरनल के बारे में बताने वाला हूँ। तो हार्ड डिस्क ड्राइव को HDD भी कहते हैं, और फिक्स डिस्क हार्ड ड्राइव भी कहते हैं आप इसको। तो ये आखिर स्टोर क्या करता है? ये आप जो कंप्यूटर में आपका जो डेटा होता है, जो भी आपकी फाइल्स होती है, वो इसे स्टोर करके रखता है। यानी कि आप जब कंप्यूटर शट डाउन कर देते हैं या फिर बंद कर देते हैं, तो उसके बाद भी आपका जो भी डेटा रहता है कंप्यूटर का, वो उसमें स्टोर रहता है। ऐसा नहीं होता है कि जैसे कि रैम उसे पूरा मिटा देता है, यानी कि रैम में आप एक्सेस नहीं कर पाते हैं जब भी आप कंप्यूटर वगैरह या लैपटॉप बंद कर देते हैं। जो बंद करने के पहले जो भी उस रैम में जो डेटा था वो मिट जाता है, रैम स्टोर बिल्कुल नहीं करता इस तरीके के डेटा, मगर आपकी हार्ड डिस्क स्टोर करती है, और इसे आप अपनी मर्जी से एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक फाइल के बाद आप दूसरी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक हाथ है और ये एक हाथ है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही एक्सेस करेंगे, आप एक साथ दोनों को भी एक्सेस कर सकते हैं। पहले इसको निकाल सकते हैं आप, फाइल एक्सेस कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट आप राइट रीड राइट भी इस पे कर सकते हैं। तो ये आखिर ये डिवाइस काम कैसे करता है? ये आपका जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन जो भी है, ये अपना मैग्नेटिक स्टोरेज को यूज करके, ये आपका जो भी डिजिटल इन्फॉर्मेशन है, जो भी आप डाटा है, जो भी फाइल स्टोर करना चाहते हैं, ये उसे स्टोर कर लेता है अपने हार्ड डिस्क में, यानी कि अपनी स्टोरेज में ये रख लेता है। तो ये भी काफी अच्छी स्पीड होती है हार्ड डिस्क की भी, मगर रैम जितनी स्पीड आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि रैम बहुत ही फास्टेस्ट एक मेमोरी है। तो अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें, तो हार्ड डिस्क में आपको अलग अलग तरह के स्पीड और वर्जन भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आपने मार्केट में देखा होगा 5400 RPM वाला भी आपको देखने को मिल जाती है हार्ड डिस्क, और इसी के साथ आपको 7200 RPM वाले भी देखने को मिल जाती है। यानी कि इससे ज़्यादा जो एफिशिएंट होगी और ज़्यादा अच्छी जो हार्ड डिस्क होगी, वो होगी 7200 RPM वाली, और इतना बेटर ही अगर आप 7200 RPM या फिर उससे अगर ज़्यादा वाली आती है तो उसको आप ले, नहीं तो आपके हार्ड डिस्क का कई टाइम बार, जैसे आपने देखा होगा, आपने हार्ड डिस्क लगा ली अपने सिस्टम में, कई बार तो अच्छी चलती है, उसके बाद उसकी स्पीड थोड़ी रीड राइट जो भी स्टोरेज स्पीड जो है वो थोड़ी स्लो होने लग जाती है। तो उसका रीजन भी कई बार ये होता है कि आप, हो सकता है आपने शायद से 5400 RPM या फिर कम RPM वाली आपने हार्ड डिस्क ले ली है। तो दोस्तों, हार्ड डिस्क में तो ऐसा होता ही है कि आप उसे स्टोर कर सकते हैं, तो उसमें आप अपना जो लिमिट है उतने तक ही आप स्टोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उस लिमिट को ही एक्सपेंड कर दें। जैसे 1 TB की हार्ड डिस्क है तो वो आजकल आपको मिल जाएगी ज्यादा आसानी से, इंटरनल हार्ड डिस्क 4000-5000 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि पहले के टाइम पे बहुत काफी रेट हुए करते थे इसकी। अब तो आपको 1 TB हार्ड डिस्क या फिर लैपटॉप खरीदते हैं तो उसमें आपको डली डलाई ही मिल जाती है 1 TB की हार्ड डिस्क, तो काफी अच्छी बात है ये। तो आप जो भी डाटा जो इसमें स्टोर करने वाले, उसे आप अपने मर्जी के हिसाब से ही दोस्तों एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं। और एक बात अगर मैं आपको बताऊं रैम और हार्ड डिस्क के कॉम्बिनेशन की, तो रैम हार्ड डिस्क करने वाला है स्टोर, और जो स्टोर आपके जो डाटा फाइल जो भी स्टोर हुई हार्ड डिस्क में, उसको चलाने वाला है रैम, यानी कि आप करने वाले उसको रैम की मदद से रन। तो यही एक कॉम्बिनेशन बैठ जाता है इनके हार्ड डिस्क और रैम में, एक सिंपल से कॉम्बिनेशन बैठ जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको हार्ड डिस्क के बारे में समझने में काफी आसानी हुई होगी, इस वीडियो ने आपकी मदद करी होगी कि आप हार्ड डिस्क को कैसे समझे या फिर हार्ड डिस्क आखिर होती क्या है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों, जो बेल का आइकन आपको इस सब्सक्राइब बटन के बाजू में दिखेगा, उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं हूं सुमित, आपसे जल्दी मिलूंगा इसी तरह से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगले वीडियो में। टेक केयर फॉर यू।